नेक्स्ट वन इफ एल्स स्टेटमेंट्स. प्रीवियस केस में डिस्कस किया था ओनली अबाउट इफ स्टेटमेंट. अगर आपको ओनली पर्टिकुलर कोड ऑफ लॉक ऑफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स कंडीशंस के बेसिस पर एग्जीक्यूट करना देन राइट क्या करेंगे ऑलवेज इफ स्टेटमेंट्स. बट सपोज दैट इफ के कंडीशन फॉल्स होने के केसेस में अगर कोई अल्टरनेट कोड पार्ट करना है, इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट सम अल्टरनेटिव ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स इफ बेस्ड ऑन इफ कंडीशंस देन यू शुड यूज एल्स ब्लॉक. फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस केस में प्रोवाइड किया था जस्ट इफ स्टेटमेंट लाइक दैट. अगर इफ के केसेस में आपने कोई भी कंडीशन प्रोवाइड किया था ना, इस पर्टिकुलर केस में ओनली पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो भी आपको स्टेटमेंट कंडीशंस के बेस पर एग्जीक्यूट करना था स्टेटमेंट प्लेस किए थे इनसाइड बॉडी ऑफ इफ. बट सपोज दैट किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर कंडीशन फॉल्स हो रहा, फॉल्स होने के केस में डिफरेंट कोड एग्जीक्यूट करना और ट्रू होने के केसेस में डिफरेंट कोड एग्जीक्यूट करना, देन यूज करोगे सम एल्स स्टेटमेंट इफ एंड एल्स लाइक दैट. जिस तरह से इफ का बॉडी प्रोवाइड करना पॉसिबल है, सेम एज एल्स ब्लॉक का भी बॉडी प्रोवाइड करना पॉसिबल. अगेन सेम रूल्स होंगे बॉडी के रिस्पेक्ट में. फर्स्ट रूल क्या है इस केस में, अगर एल्स के अंदर ओनली सिंगल स्टेटमेंट है देन या तो कर्ली ब्रेसेस से सेपरेट करेंगे या फिर सेमी कॉलन से. अगर मोर देन वन स्टेटमेंट है देन सेपरेट करेंगे बाय यूजिंग कर्ली ब्रेसेस सेम एज इफ रूल्स. दिस इज द सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स. इसके बिहाफ में चेक करें डिफरेंट रूल्स. इफ के केसेस में टोटल टू पॉसिबल केस होंगे, या तो इफ कंडीशन ट्रू है इफ कंडीशन फॉल्स होगा. अगर इस केस में कंडीशन ट्रू है देन बॉडी ऑफ इफ विल बी एग्जीक्यूट. मीन्स एस वन और एस टू के सिचुएशन में एग्जीक्यूट होंगे इफ का कंडीशन ट्रू है. दूसरा पॉसिबल केस क्या होगा कंडीशन के रिस्पेक्ट में, इफ कंडीशन इज फॉल्स देन एल्स ब्लॉक गॉट एग्जीक्यूटेड. मीन्स एस थ्री और एस फोर एग्जीक्यूट होंगे इफ कंडीशन इज फॉल्स. मीन्स टोटल पॉसिबल केस क्या है, या तो कंडीशन ट्रू होगा या कंडीशन फॉल्स होगा. अगर कंडीशन ट्रू है देन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे विच आर प्लेस्ड इनसाइड बॉडी ऑफ इफ. इफ कंडीशन इज फॉल्स देन स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड विच इज प्लेस्ड इनसाइड एल्स ब्लॉक. इफ और एल्स के लिए मैंडेटरी कंडीशन क्या है, कंडीशन ओनली इफ के साथ प्रोवाइड करना पॉसिबल, एल्स ब्लॉक के साथ कभी भी कोई कंडीशन राइट करना पॉसिबल. इट इज इनवैलिड. वी कैन नॉट प्रोवाइड कंडीशन विद एल्स ब्लॉक. इसलिए अगर इफ के केसेस में बात करें, इफ विदाउट एल्स राइट करना कंपलसरी पॉसिबल है. एल्स बोलो कैसा ऑप्शनल नॉट अ कंपलसरी, लेकिन विदाउट इफ स्टेटमेंट ओनली एल्स ब्लॉक प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं, बिकॉज एल्स के साथ कभी कोई कंडीशन राइट नहीं होता. इसलिए अगर आप विदाउट इफ एल्स ब्लॉक डायरेक्टली प्रोवाइड करोगे विद सम स्टेटमेंट इज कंप्लीटली रॉन्ग. नेक्स्ट थिंग्स, एल्स ब्लॉक जस्ट प्रोवाइड करें जस्ट आफ्टर क्लोजिंग बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट. मीन्स इफ का जैसे इस केस में इफ का बॉडी क्लोज के सोरा जस्ट कर्ली ब्रेसेस. मीन्स बॉडी एंड होने के जस्ट बाद एल्स ब्लॉक प्रोवाइड करोगे, अदरवाइज एल्स ब्लॉक और इफ के बॉडी के बिटवीन में कोई भी अदर स्टेटमेंट प्लेस करना पॉसिबल नहीं, इट इज कंप्लीटली इनवैलिड. फॉर एग्जाम्पल्स अगर प्रोवाइड किया सम इफ विद कंडीशन देन सम स्टेटमेंट एस वन एस टू इनसाइड बॉडी ऑफ इफ, इसके जस्ट बाद इफ के बॉडी क्लोज होने के जस्ट बाद प्रोवाइड किया सम अदर स्टेटमेंट लाइक एस थ्री देन प्रोवाइड किया एल्स ब्लॉक, इट इज कंप्लीटली इनवैलिड. कंपाइल टाइम एरर मिसप्लेस्ड एल्स, बिकॉज एल्स ब्लॉक हमेशा एसोसिएट किससे हुआ बॉडी ऑफ इफ. इस केस में इफ का बॉडी ऑलरेडी टर्मिनेट हो चुका है, इसलिए अगर एस थ्री की बात करें एस थ्री स्टेटमेंट ना ही इफ का पार्ट है ना ही एल्स का पार्ट. मीन्स इफ ऑलरेडी क्लोज हो चुका है देन एल्स अपीयर हुआ एज अ इंडिपेंडेंटली, और इंडिपेंडेंटली विदाउट इफ स्टेटमेंट एल्स ब्लॉक राइट करना पॉसिबल, इसलिए केस कैसा हुआ कंप्लीटली इनवैलिड केस. नेक्स्ट में सी के अंदर कंडीशंस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं. ऑपरेटर्स में भी डिस्कस किया था ड्यूरिंग कंडीशनल ऑपरेटर्स. सी के अंदर कंडीशंस को लेकर टू पॉसिबल केस होंगे, आइदर ट्रू और फॉल्स, आइदर ट्रू और फॉल्स. एनी नॉन जीरो नंबर्स, अगर आपने कंडीशन के प्लेस पर कोई भी नॉन जीरो नंबर प्रोवाइड किया, नॉन जीरो मीन्स मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव नंबर्स और डेसिमल नंबर्स, एनी नॉन जीरो नंबर विल रिप्रेजेंट ट्रू. प्लस फॉल्स किससे रिप्रेजेंट होगा सी के अंदर, जीरो विल रिप्रेजेंट फॉल्स. मीन जीरो का मीनिंग क्या होगा फॉल्स और नॉन जीरो का नंबर क्या होगा ट्रू. सपोज दैट अगर आपने कोई इफ कंडीशन प्रोवाइड किया लाइक दैट इफ 2.5,
इस केस में देखा जाए तो कोई कंडीशन या रिलेशनल और अर्थमेटिक एक्सप्रेशन प्रोवाइड नहीं किया है, फिर भी ये केस कंसिडर हो गया जाए ट्रू, बिकॉज करंटली इफ के अंदर पास क्या किया, पॉजिटिव नंबर और नॉन जीरो नंबर्स, नॉन जीरो मीन्स ट्रू। सिमिलरली अगर अदर केस प्रोवाइड करते हैं लाइक दैट इफ जीरो देन, इस केस में कंसिडर क्या होगा, कंडीशन इज फॉल्स, जीरो मीन्स फॉल्स। दूसरा केस, अगर आप कोई कंडीशन, कंडीशन के प्लेस पर कोई भी अर्थ रिलेशनल और लॉजिकल एक्सप्रेशंस प्रोवाइड करोगे, रिलेशनल और लॉजिकल एक्सप्रेशंस के रिजल्ट्स आइदर ट्रू के फॉर्म में आएंगे या फिर फॉल्स के फॉर्मेट में आएंगे। अगर रिजल्ट ट्रू में वैल्यूएट होगा दैन रिटर्न होगा वन, फॉल्स में वैल्यूएट होगा दैन रिटर्न होगा एज आ जीरो। अदरवाइज विदाउट कंडीशन डायरेक्टली भी कंडीशन नंबर्स के फॉर्म में प्रोवाइड करना पॉसिबल है बेस्ड ऑन जीरो और नॉन जीरो नंबर्स, जीरो मीन्स फॉल्स, नॉन जीरो मीन्स कंप्लीटली ट्रू। क्लियर?